बीमा डायमेंशन, बीमा क्या होता है लाला? बीमा देखो, बीमा वे घाते हैं जो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ठीक, ये चीज है लाला। देखो, बीमा वे घाते हैं जो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। अब ये टॉपिक क्या है? से मान लो कोई भी राशि है, उसको हम मूल राशियों में तोड़ेंगे, उस फिर मूल राशियों के मूल मात्रकों को लिखेंगे, अब मूल मात्रकों की बीमाओं को लिखेंगे। ठीक, अब हम बता रहे लाला मूल राशि क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, मूल राशियाँ। देखो, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसको हम स्वतंत्र राशियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र राशियाँ, मतलब जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे द्रव्यमान, क्या बाबू? द्रव्यमान, जैसे मान लो किसी का द्रव्यमान है तो आप बताओगे हाँ 2 किलो है, 5 किलो है, 4 किलो है, ऐसे बता दोगे, तो उसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं कह दूँ कि बल बताओ, तो आप कहोगे सर जी द्रव्यमान बताओ, द्रव्यमान बताऊंगा, फिर कहोगे सर जी त्वरण बताओ, तब तो बल बताओगे। तो बल मूल राशि नहीं है, क्योंकि इसमें कई दो चीज़ चाहिए। अब वो चीज़ मूल राशि होती है जो अपने आप में अकेले हो, जैसे कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान अपने आप में अकेले है, इसलिए ये क्या है? मूल राशि है। हो गया लंबाई, जैसे मैं कह दूँ कि 5 मीटर लंबाई की कोई वस्तु ले लो, तो आप सीधे सीधे ले लो कि 5 मीटर लंबाई का, दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए ना, मतलब ये स्वतंत्र है, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, फिर हो गया समय, समय भी स्वतंत्र है, ताप, ताप भी है, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता, ठीक, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, देखो तीव्रता में बड़ी रहेगा ना, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, अब इनके मात्रक लिखेंगे बाबू। ठीक, क्या लिखे थे? देखो, बीमा वेग आते हैं जो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो अब हम इनके मात्रकों को भी लिखेंगे, यानी कि इनके मात्रक देखो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्या बाबू? लंबाई का मात्रक मीटर। अच्छा, ये कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। कैसा? इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको पूरी दुनिया मानती है। समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योतिवता का कैंडला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब हम इसका बीमा लिखने जा रहे बाबू, इतने का बीमा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, इतने का बीमा आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका हम बीमा लिख रहे हैं। देखो, किलो, जिसका मात्रक किलोग्राम, उसकी बीमा एम, बीमा को कैपिटल ओ बॉक्स में लिखते हैं, बड़े बॉक्स में लिखते हैं और कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक, जिसका मात्रक मीटर, तो उसकी बीमा एल, क्या चीज़ बाबू? एल। जिसका मात्रक सेकेंड, उसकी बीमा टी। जिसका मात्रक केल्विन, उसकी बीमा के। जिसका मात्रक कैंडिला, उसकी बीमा सी। जिसका मात्रक एम्पियर, उसकी बीमा ए। जिसका मात्रक मोल, उसकी बीमा। दो और मूल राशियां हैं, जैसे कि कोण और घनकोण, लेकिन उनकी बीमा नहीं होती, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक, इतना चीज लिख दिए हैं, इतना समझ आया बाबू? देखो, हम पहले क्या लिखें कि बीमा वे घाते हैं जो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तब हम, हमको मूल राशियां जानना चाहिए,
मूल राशियाँ वे होती हैं कि जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मतलब इनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योत, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अब देखो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, उसकी बीमा एम, मतलब जिस, अब बता रहा हूँ, जिसकी भी मात्रा किलोग्राम उसकी बीमा एम, लंबाई का मीटर उसकी बीमा एल, समय का सेकेंड तो उसकी बीमा टी, ताप का केल्विन तो उसकी बीमा के, जो तीव्रता का कैंडिला तो उसकी बीमा सी डी, विद्युत धारा की बीमा एम, मात्रक एम्पियर तो उसकी बीमा ए, पदार्थ की मात्रक मोल तो मोल। अब देखो एक विशेष टॉपिक है क्या, किसे द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है तो इसलिए यम हो गया, लंबाई का इंग्लिश लेंथ होता है इसलिए यल हो गया, समय का इंग्लिश टाइम होता है इसलिए टी हो गया, ताप का टेम्परेचर होता है तो टी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डबल टी हो जाता ना और टेम्परेचर बड़ा भी होता तो इसलिए इसका हम मात्रक ले लिए केल्विन का के, क्या ले लिए के। अब ज्योत तीव्रता का क्यों नहीं, ज्योत तीव्रता लिए कैंडिला क्यों लिए सी डी ना, इसलिए कि छोटा है ये, क्यों क्या है छोटा है, सुविधा के लिए हम लोग सी डी लिख लिए क्योंकि कैंडिला छोटा है। अब ज्योत तीव्रता में जे लिखते और तीव्रता का इंटेंसिटी लिखते है ना तो बड़ा हो जाता, तो इसलिए कैंडिला का सी डी लिख लिए। अब विद्युत धारा का हमको इलेक्ट्रिक करंट लिखना पड़ता है इसी, इसलिए एम्पियर का एक वर्ड लिख लिया। अब पदार्थ की मात्रा का बड़ा होता है इसलिए मोल का मोल लिख दिया। ये टॉपिक ठीक। अच्छा अगर इतना चीज़ आपको समझ में आ गया है तो अब आपको बीमा निकालना आ जाएगा ठीक। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ बीमा निकालेंगे कैसे। देखो जैसे मान लो कि सबसे पहले हमको चाल की बीमा निकालनी चाहिए बाबू, किसकी बीमा, चाल की बीमा, किसकी बीमा बाबू, चाल की। अब चाल क्या है, चाल मूल राशि नहीं है, क्यों मैं कह दूं कि कोई भी व्यक्ति जो है 50 मीटर गया, बताओ चाल क्या है, तो आप कहोगे सर जी समय भी तो बताओ, ये तो कहोगे कि सर जी समय भी तो बताओ तभी तो हम चाल बताएंगे, तो क्यों, क्योंकि ये मूल राशि नहीं इसलिए इसकी बीमा निकालना पड़ेगा, और जो मूल राशि उनकी बीमा दी गई है ठीक। तो चाल की बीमा बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आपके पास दो ऑप्शन है बाबू, या तो आप उसका फार्मूला जानो या तो उसका मात्रक जानो ठीक, मैं दोनों से बता दे रहा हूँ ठीक। अब देखो दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो हम लिखेंगे चाल की बीमा बराबर दूरी की बीमा और बटे समय की बीमा ठीक। तो दूरी की बीमा क्या है L और समय की बीमा है T ठीक। अब देखो T पे यहाँ पे पावर कुछ नहीं है ना, तो समझो एक लिखा है, क्या लिखा है एक ठीक है बाबू। अब ये T ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब माइनस इन द सेंस कि अगर कोई भी चीज़ नीचे है या ऊपर है, अगर हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं या ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ये चिन्ह प्लस है ना, तो अब अगर हम इसको ऊपर लेते हैं तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा ठीक। अब इन लोगों को एक ब्रैकेट में ले देंगे एल टी माइनस वन ठीक। अब यहाँ पे यम नहीं तो आप यम भी लिख सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि यम पे जीरो एल टी माइनस वन, ये है आपकी चाल की बीमा ठीक। इतना समझ आया लाला, चाल की बीमा समझ पाए कैसे निकला है। देखो चाल की बीमा के लिए दूरी की बीमा बटे समय की बीमा लगाना पड़ेगा, जो उसका फार्मूला होता है, या तो आप चाल का मात्रक ही बता दो। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक था ठीक, किसका, चाल का, ये चाल का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, बस इससे भी हम निकाल सकते हैं, क्यों, देखो मीटर की बीमा एल और सेकंड की बीमा टी, सेम प्रोसेस है। देखो अब ये टी ऊपर जाएगा तो जो है इस पे पावर माइनस एक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं एम को भी मेंशन कर ले, क्योंकि एम भी था ना इधर, देखो इधर एम भी था ना एम, तो एल भी टी है तो हम चाहते हैं एम भी रहे, क्योंकि एम एल टी में लिखते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है, बस और कुछ नहीं, अच्छा माना जाता है, तो एम भी लिख देंगे तो जाएगा एम पे पावर जीरो। एम पे पावर जीरो का मतलब है एक, क्या है एक ठीक, एम पे पावर जीरो का मतलब है एक, एक लिखो चाहे ना। इतना समझा बाबू, इस तरह से हम किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हैं। देखो अभी तक आप लोग जो है चाल का बीमा पढ़ लिए, अब बेग की बीमा, किसकी बीमा, बेग की बीमा ठीक। अब बेग की बीमा के लिए दो चीज़ है, पहला या तो आप बेग का मात्रक जानो, दूसरा या तो बेग का फार्मूला जानो। तो बेग बराबर होता लाला विस्थापन बटे समय, क्या होता है विस्थापन बटे समय ठीक लाला, क्या होता है विस्थापन बटे समय ठीक। इसका मतलब कि विस्थापन की बीमा बटे समय की बीमा ठीक, विस्थापन की बीमा बटे समय की बीमा। तो देखो विस्थापन मतलब होता लाला कि एक बिंदु से दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी,
मतलब कहीं बिंदु से आप कैसे भी जाकर दूसरे बिंदु पे पहुँचे हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक लाला, अच्छा, तो ये हो गया विस्थापन। लेकिन इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर। अब जिसका भी मात्रक मीटर उसकी विमा एल, जिसका भी मात्रक मीटर उसकी विमा एल। समय का मात्रक बाबू? सेकेंड, तो सेकेंड तो विमा टी। समय का मात्रक सेकेंड, तो सेकेंड की विमा टी। अब ये भी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन। वेग उसी की तरह है, किसकी तरह? चाल की तरह। किसकी तरह ला? चाल की। जो भी चाल बताता है ना उसी की तरह ये भी है। अब हम बता रहे हैं आपको त्वरण की विमा, एक्सीलरेशन कहते हैं इंग्लिश में इसकी विमा। लिखो त्वरण की विमा क्या होता है लाला? तो त्वरण की विमा होता है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है पहले देखो, या तो आप मात्रक जानो या तो आप सूत्र जानो। देखो जैसे यही आपको बताएं वेग की विमा ना, तो वेग का मात्रक जानते तो भी काम बन जाता है। जैसे कि मान लो वेग का मात्रक क्या होता है कि मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर का एल और सेकेंड का टी, तो हो गया एल टी माइनस वन, ऐसे भी निकलता है। ठीक, अब देखो त्वरण का विमा, त्वरण का विमा या तो फार्मूला जानो या तो मात्रक जानो। तो इसका फार्मूला होता है कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, देखो तो वेग परिवर्तन मतलब वेग, वेग परिवर्तन मतलब वेग, और समय अंतराल मतलब समय। देखो अब देखो वेग में से वेग घटेगा तो वेग ही तो आएगा, और समय में से समय घटेगा तो समय ही आएगा, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम कहते हैं वेग बटे समय। वेग आप दो तरह से निकाल सकते हो, या तो वेग का फॉर्मूला लिखो या तो वेग का विमा ही लिख दो। अभी वेग का विमा निकाले एल टी माइनस वन और समय का टी। ठीक, अब ये टी भी ऊपर जाएगा, अरे भाई ये टी भी तो ऊपर जाएगा, तो इस पे पावर एक है तो ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या जाएगा? पावर माइनस एक। एल टी माइनस एक, ये भी ऊपर जाएगा तो टी पे पावर माइनस एक। ठीक, अब देखो एल टी माइनस एक और माइनस एक, तो टी माइनस दो हो जाएगा ना भाई, चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, हैं गुणे ग्रुप में तो पावर जुड़ जाएगा ना, तो टी पे माइनस एक और माइनस एक, यानी कि माइनस दो हो जाएगा। ठीक, एल टी माइनस टू, जानते हो ये कहाँ से आ रहा है? देखो फार्मूला था कि ए पे पावर एम गुड़े ए पे पावर एन, तो यानी कि ए को एक बार लिखते थे और पावर को जोड़ लेते थे। देखो माइनस एक और माइनस एक तो ऐसे हम जोड़ लिए चुपचाप, तो माइनस एक और माइनस एक माइनस दो, तो ये हो गया हमारा त्वरण की विमा। किसकी विमा हो गई? त्वरण की विमा लाला। किसकी विमा? त्वरण की। अब आपको एक ऑप्शन और है, अगर आप त्वरण का मात्रक जानते हैं तो सीधे सीधे आप लिखिए, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो मीटर की विमा एल और सेकंड स्क्वायर की विमा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर नहीं कह सकते आप, देखो विमा में कभी इसको स्क्वायर नहीं पढ़ सकते बाबू, इसको टी टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टी टू। आप विमा में स्क्वायर नहीं पढ़ सकते, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? टी टू, टी पे पावर टू पढ़ सकते हैं आप, स्क्वायर नहीं पढ़ सकते बीमा में। ठीक, बस एक चैप्टर बीमा में आप इसको स्क्वायर नहीं पढ़ सकते, थ्री है तो क्यूब नहीं पढ़ सकते, थ्री पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा अब ये ऊपर जाएगा तो जाएगा एल टी पे पावर माइनस टू, क्या हो जाएगा? एल टी पावर माइनस टू। ये हो गया आपका त्वरण की बीमा। ठीक, या तो ऐसे निकाल लो मात्रक से, या तो ऐसे निकाल लो। आपके पास दो ऑप्शन है बाबू, या तो देखो ध्यान से, या तो आप मात्रक से निकाल सकते हैं या तो आप सूत्र से निकाल सकते हैं। लो ठीक, अब मुझे एक और बताना है आपको, एक और देख लो बस आप समझ जाओगे। ठीक, तो और सीखना है लाला ना, जो है ये आपको सीखना है बल की विमा। देखो इसको समझोगे जैसे ही तैसे जान जाओगे, हमको बल की विमा निकालना है। ठीक, अब बल का या तो मात्रक से निकालो या तो सूत्र से। तो बल बराबर क्या होता है लाला? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मतलब क्या कि द्रव्यमान की विमा और गुणे त्वरण की विमा। ठीक, तो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक लाला किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो जिसका मात्रक किलोग्राम उसकी विमा एम। और त्वरण का मात्रक अभी निकाले थे, त्वरण का विमा क्या था? एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, इस तरह से निकाल लेंगे। अब अगर आप त्वरण नहीं जानते हैं तो आप फिर से जो है वही फार्मूला लगा के त्वरण बराबर वेग बटे समय से आप निकाल लेंगे, वहाँ पर निकाल कर रख देंगे। ठीक, अगर जानते हैं फिर ऐसे लिख देंगे एल टी माइनस टू, ये हो गया यम एल टी माइनस टू। अगर आप बाय द वे अगर आप बल की मात्रक जानते हैं, बल का मात्रक होता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम का होता है यम, मीटर का एल
और सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा टी पी पावर टू, तो ये जाएगा एम एल टी पे हो जाएगा पावर माइनस टू। अब देखो बड़ा ब्रेकेट लगा देंगे क्योंकि बीमा को बड़े ब्रेकेट में लिखते हैं, किसमें बड़े ब्रेकेट में, या तो आप ऐसे लिख लो या तो आप ऐसे लिख लो। आर समझ लाला, देखो आपको दो तरह से बल्कि बीमा मिल रही है, या तो आप इस तरह से या तो आप इस तरह से, ठीक। ये हो गया आपके बल्कि बीमा। बाय द वे आपको कार का बीमा निकालना है, देखो कार की बीमा, ठीक, किसकी बीमा लाला, कार की। ये सब व्युत्पन्न राशियां है, इसी बीमा निकाल लें, ठीक। तो कार का बीमा या तो फार्म सूत्र याद रखो या तो आपको मात्र याद होना चाहिए। तो कार बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक। तो देखो बल, तो आप सीधे सीधे बल का बीमा भी लिख सकते हैं, देखिए एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन का बीमा एल ऐसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एम एल पे एक, एल पे ये भी एक है तो एक और एक जुड़ जाएगा, देखो एल पे यहाँ एक है, एल पे यहाँ एक है तो एक और एक जुड़ जाएगा, और टी पावर माइनस टू हो जाएगा एम एल टू टी पावर माइनस टू, ठीक। ये हो गया आपका कार की बीमा, ठीक, इसकी बीमा कार की। आप चाहो लाला ना तो इसके मात्रक से भी लिख सकते हैं, ठीक ठीक है। आप इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो किलोग्राम का एम मीटर स्क्वायर का जाएगा एल पे पावर टू, सेकंड जो टी पे पावर टू, देखो एम एल टू टी पावर टू ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस टू, ठीक। अब क्या करेंगे, सब में हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे सब में, ये होता है ये इन माइनस नहीं है इन टू है, ठीक, माइनस नहीं क्या है इन टू है। देखो यह भी कार की बीमा, यह भी कार की बीमा, यानी कि दोनों कार की बीमा है, ठीक। या तो आप सूत्र से निकालेंगे माध्यम, या सूत्र से बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये बल की बीमा लिख दिए, विस्थापन का लिख दिए, निकाल दिए, या तो आप यहाँ से मात्रक से निकाल लेंगे। बस लाला इस तरह से भी देखो आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इसको से दाब हो गया, दाब की बीमा, घनत्व की बीमा, आयतन की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, ये सब आप निकालेंगे और अगले टॉपिक में हम बताएंगे और आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। और देखो जिसका जिसका आ जाएगा दाब की बीमा, घनत्व की बीमा, आयतन का, क्षेत्रफल का, वो अपना निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिख देगा, ठीक, उसको हम देख लेंगे, जिसका जिसका आएगा उसी में ग्रेड भी दे देंगे, ठीक है। और अगर ये आप चाहते हैं कि जैसे मान लो कि तुरंत आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाए, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक। और इस अभी मत समझना कि बीमा ख़त्म हो गई, अभी समझो बीमा स्टार्ट हुआ है और ये अभी कंटिन्यू चलेगा, दो तीन वीडियो आप देख लेंगे तो बीमा ख़त्म हो जाएगा। इतना आप लोग होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर आ जाएगा वो लिखकर भेज देंगे, डेट्स ऑल।